टी सीरीज की मालकिन दिव्या खोसला कुमार इन दिनों चर्चा में हैं। दरअसल सोनू निगम द्वारा अपने पति भूषण कुमार पर गंभीर आरोप लगाए जाने से दिव्या उन पर काफी नाराज है और एक वीडियो के जरिए दिव्या ने सोनू निगम पर जवाबी हमला भी बोला था। दिव्या का नाम आज बॉलीवुड की प्रभावशाली महिलाओं में लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार दिल्ली के मिडिल क्लास फैमिली की लड़की किस तरह से टी सीरीज जैसे बड़े कंपनी की मालकिन बन गई। दिव्या खोसला का जन्म दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। दिव्या ने जब होश संभाला तब से वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। एक्ट्रेस बनने का सपना लिए दिव्या ने कॉलेज की पढ़ाई के बाद मुंबई का रुख कर लिया। दिव्या खोसला ने साल 2004 में लव टुडे नाम की फिल्म से डेब्यू किया। वो फाल्गुनी पाठक के म्यूजिक एल्बम अयोरामा भी नजर आई। दिव्या की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो उन्हें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और बॉबी देओल जैसे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला और वो फिल्म थी तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस फिल्म से दिव्या की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। जी हाँ, उनकी मुलाकात हुई प्रोड्यूसर भूषण कुमार से। हालांकि ये मुलाकात पूरी तरह से प्रोफेशनल थी, लेकिन पहली ही नजर में भूषण दिव्या पे दिल दे बैठे थे। इस फिल्म के साल भर बाद ही दिव्या ने 13 फरवरी साल 2005 में भूषण कुमार से शादी कर ली। दोनों की शादी वैष्णो देवी के कटरा में हुई। भूषण कुमार से शादी करने के बाद दिव्या करोड़ों की कंपनी टी सीरीज की मालकिन बन गई है। दरअसल साल 1997 में गुलशन कुमार का निधन हो गया था, जिसके बाद उनके बेटे भूषण कुमार ही टी सीरीज के मालिक हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।